हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूजनेट सेल्फ स्टडी में। यूके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर सेकंड है ये। इसमें हम बात करेंगे वहाँ के कैबिनेट की, प्रिवी काउंसिल की और शेडो कैबिनेट की। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, कैबिनेट जो है वो लगभग इंडिया की तरह ही है और इट इज़ द सुप्रीम रियल एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, जो नॉमिनल हेड तो किंग है लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज़ एक्चुअली द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ हिज रूलिंग। प्राइम मिनिस्टर जो रूल कर रहे हैं वो कैबिनेट की मदद से ईजिली सब कर पा रहे हैं। तो इट इज़ हैविंग द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज़ हेल्ड बाय कैबिनेट। PM इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट जस्ट लाइक इंडिया। 20 के आसपास इनके पास मिनिस्टर रहते हैं। जो कुछ नाम आप पढ़ सकते हैं तो इस तरीके से हैं, PM और PM के पास फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विसेज भी खुद ही रहते हैं, चांसलर ऑफ एक्सचेक्वर, प्राइवी सील, लॉर्ड प्राइवी सील भी खुद ही रहते हैं, चांसलर ऑफ द ड्यूची ऑफ लैंस्टर। ये इनके मिनिस्टर्स हैं। अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो जैसे बांटे जाते हैं ना, तो ये इन्होंने ट्रेडिशनल नाम रखे हुए हैं, उसी तरीके से आ रहे हैं। लॉर्ड प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लॉर्ड चांसलर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी, पोस्ट मास्टर जनरल, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड, इस तरीके के कुछ ये नाम है। सेक्रेटरी ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, हेल्थ, ये सब वहाँ के फिक्स्ड कैबिनेट की पोस्ट के नाम हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉर्ड एडवोकेट एंड पे मास्टर जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉर्ड एडवोकेट, ये सब जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेम्बर नहीं हैं। अब ब्रिटिश कैबिनेट में एक हमने अभी देखा था प्रिवी काउंसिल, एक वर्ड पढ़ा था। प्रिवी काउंसिल क्या होता है? प्रिवी का मतलब होता है प्राइवेट या सीक्रेट या अपनी गुप्त या अपने बिल्कुल क्लोज वाली, उस तरह का मीनिंग होता है प्रिवी का। और ये काउंसिल क्या थी कि 15th century में ये बनाई गई थी एज ए एडवाइजरी बॉडी टू द मोनार्क और द किंग ऑफ द क्वीन। देखिए, मोनार्क जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, ठीक है, सबका हेड था वो, तो ही कैन नॉट मैनेज थिंग्स अलोन। सो ही नीडेड अ बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, जो उसको एडवाइस करे कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की बॉडी को द काउंसिल कहा जाता था। तो काउंसिल ही वॉज इज प्राइवेट पर्सनल काउंसिल, सो दिस वॉज नोन एज द प्रिवी काउंसिल। लेटर ऑन वेन द मोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराइव आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द मोस्ट ऑफ द पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द कैबिनेट, बट स्टिल दिस प्रिवी काउंसिल एग्जिस्ट। It has all 330 members, all cabinet ministers are there and several other appointees are also there, lords etc. etc. which are managing the council, presided by the Lord President of Council, another minister which I have told you in the last slide, he is presiding the Privy Council. तो एक तरह से राजा की अपनी काउंसिल हो गई है और इसको धीरे धीरे इसके पावर्स जो हैं, it has been transferred to the ब्रिटिश कैबिनेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेडो कैबिनेट, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है और आप सोचोगे तो काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं इसकी, कुछ अच्छा भी लगेगा आपको। इसको ऑफिशियल अपोजिशन शेडो कैबिनेट भी कहा जाता है। शेडो कैबिनेट मतलब कैबिनेट आपका हो गया उसका शेडो, मतलब वहाँ एक गृह मंत्री है तो एक शेडो गृह मंत्री होगा, वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर है तो शेडो प्राइम मिनिस्टर, मतलब जितने पोर्टफोलियो आज एक रूलिंग गवर्नमेंट में है उसी के पैरेलल एक शेडो कैबिनेट भी बनाया जाता है, ताकि जिस दिन ऐसा हो सरकार गिरे तो इमीडिएटली टेक ओवर किया जा सके। सो ये केवल यूके में ही जाना जाने वाला एक बहुत ही अजीब सिस्टम है। अपोजिशन के वेल ऑर्गेनाइज होने का सबूत है, द अपोजिशन इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज इन ब्रिटेन। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ब्रिटेन वॉज द मोस्ट पावरफुल and the oldest democracy of the world, representative democracy का सबसे अच्छा example हम देते हैं तो हम ब्रिटेन ही देते हैं। दो देर इज़ अ मोनार्क, बट दैट मोनार्क इज सिंपली अ नॉमिनल हेड, ठीक है। सो ब्रिटेन का जो अपोजिशन था, देखिए कोई भी एक देश जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, अ कंट्री डेवलप्स विद एक्सपीरियंस, विद प्रिवेलिंग कंडीशंस, विद पास्ट एक्सपीरियंसिस एक्सेट्रा। हमारे देश को भी जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में चाइना बॉर्डर पे एक्सपीरियंस मिला कि हमें भाई अपनी चाइनीज़ जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह एक देश का राजनीतिक स्ट्रक्चर भी ऐसे ही डेवलप होता है। तो
जो ब्रिटेन का राजनीतिक स्ट्रक्चर था वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था, काफ़ी पुराना था, उनके पास एक्सपीरियंस था। तो धीरे धीरे वहाँ की अपोजिशन को भी उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि सवाल पूछना डेमोक्रेसी की, मैं तो मानता हूँ, आत्मा है। जब सवाल पूछने से लोगों को रोक दिया जाएगा डेमोक्रेसी की, उसी दिन डेथ हो जाएगी। तो वहाँ का अपोजिशन बहुत ऑर्गेनाइज है। कैबिनेट जो है उसका पूरा का पूरा रूलिंग पार्टी का एक कॉपी होता है, वहाँ पे कार्बन कॉपी होता है, एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इट इज़ शैडो ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, बिल्कुल सिंपल थिंग है। अपोजिशन एक्चुअली क्या है कि फ्यूचर के लिए मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज के अपने बंदे तैयार कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे काम होता है, क्योंकि पैरेलल ही काम उनको करना बताया जाता है, ठीक है। और अल्टरनेट कैबिनेट के रूप में तो भाई आज प्राइम मिनिस्टर, इस सरकार गिर गई तो ऐसा ना हो झगड़ा होता, फिर उन्होंने पहले से शैडो कैबिनेट तैयार कर रखा है, शैडो कैबिनेट ज्वाइन कर जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे भारत में भी एक पोस्ट बनाई गई है, ये भी यहाँ पर क्या एक मिनिस्टर का पोस्ट है और ये पेड है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये था शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट के बारे में और एक चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ जो सबसे मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अल्टरनेटिव पॉलिसीज डेवलप करने का अड्डा है ये। गवर्नमेंट ने कुछ दिया तो ऐसा नहीं है कि ब्ला 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 करके उसको सिर्फ अपोज करना है, दे गिव अ लॉजिकल एंड अ वेल प्रिपेयर्ड आंसर टू एनी गवर्नमेंट एक्टिविटी और एनी प्लान और एनी पॉलिसी। गवर्नमेंट की कोई भी जारी की हुई पॉलिसी, एक्ट या फिर कुछ लाया गया है तो उस पर ये अपने अल्टरनेटिव पॉलिसी रखता है ये, कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। देखिए कितनी ब्यूटी है एक डेमोक्रेसी की, है एक शेडो कैबिनेट है। भारत में तो कोई शेडो कैबिनेट होता ही नहीं है, अपनी शेडो नहीं देखते लोग तो उसको कहाँ देख पाएंगे कैबिनेट की शेडो को। लेकिन वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन इतना ऑर्गेनाइज हो चुका है अपोजिशन का, कि वहाँ पर शेडो कैबिनेट बहुत आसानी से चलती भी है, उसकी बातें भी सुनी जाती है। नॉट एवरी फ्रंटलाइन अपोजिशन मेंबर आर इट्स मेंबर्स। देखिए हर एक जो फ्रंटलाइन मेंबर जो है, एक बड़ी पार्टी का ये मेंबर है, पार्टी का वो मेंबर, उससे बात नहीं है। सीनियर अपोजिशन मेंबर यूजुअली 20 के करीब जो रहते हैं, वही जो कंपोजिशन है उसका, उसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये न्यूजीलैंड और कनाडा में बहुत प्रेवलेंट है सिस्टम जो है ना शेडो कैबिनेट वाला, ब्रिटेन के बाद वहीं पे जाता है। मेंबर ऑफ द शेडो कैबिनेट है उसको शेडो मिनिस्टर कहा जाता है यूके में, ठीक है, यूके में शेडो मिनिस्टर कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कहते हैं न्यूजीलैंड में, और अपोजिशन क्रिटिक इन कनाडा, ठीक है। तो ये तीन इसके शेडो कैबिनेट के एग्जाम्पल हो गए कैसे कैसे इसको पुकारा जाता है। अब ब्रिटिश का सेक्रेटरेट देखिए, कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉयड जॉर्ज, उन्होंने 1916 में ब्रिटेन का कैबिनेट सेक्रेटरेट इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए, उनके लिए वार कैबिनेट मेंटेन किया था। उन्होंने यार मेरे का कोई ऐसा रूम चाहिए जहाँ मुझे फुल असिस्टेंट मिलता, उन्होंने छोटा सा वार कैबिनेट बनाया था, वार को मॉनिटर करते थे। लेटर ऑन इज टेम्प्ररी वार सेक्रेटरेट वॉज रिटेन्ड, जब टेम्प्ररी वार सेक्रेटर बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको रिटेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ हेल्दन कमेटी रिपोर्ट 1918, प्लीज नोट दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द साइज इज ह्यूज, बहुत बड़ा साइज हो चुका है इसका, बहुत ज़्यादा यूनिट्स आर एडेड एंड आर नोन एज कैबिनेट ऑफिस बना दिया है इसको, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरेट को। इसमें क्या क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरेट रहता है, हिस्टोरिकल सेक्शन, एफिशिएंसी यूनिट, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विस, इस तरह के इसके पास टोटल मिला के इनको कैबिनेट ऑफिस बनता है। अब फंक्शन क्या है कैबिनेट के, लगभग भारत की कैबिनेट जो उसके तरह ही है, ये डेली वर्क कैबिनेट का उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, डाटा कंपाइल करता है मीटिंग के लिए, सम्मन जारी करता है कि मीटिंग है, सर्कुलेट करता है कि मीटिंग है, कैबिनेट कमेटी के जो रिपोर्ट्स हैं उसको ये तैयार किया जाता है। ऑफिस इज अंडर PM हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो द हेड ऑफ होम सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ऑफिस तो PM के अंडर है इसका, जो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो इसका हेड ऑफ होम सिविल सर्विसेज भी होता है, सबसे सीनियर मोस्ट एकदम से जो है ऑफिसर होता है ये। और ये सेक्रेटरेट जो है मेन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज है ब्रिटिश की, और कैबिनेट की जो है स्टाफ एजेंसी है ये सेक्रेटरेट जो है, ठीक है। और ये मॉनिटर करता रहेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजंस बाय द डिपार्टमेंट्स, ठीक है।
ये भी इसको मॉनिटर करते रहना। चलिए, वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो टेलीग्राम नंबर जो दिया गया है उसको विजिट कीजिए, इस लिंक को कॉपी कीजिए और पहुँचिए वहाँ तक। यूएससी नेट पेपर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक फेसबुक पर ग्रुप भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, नमस्कार।